खरगोन जिले के सनावत क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते तीन युवकों ने मिलकर एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर किया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खरगोन जिले के सनावत के समीप इनपुन भुगावा रोड स्थित बस्ती में रहने वाले 28 वर्षीय युवक राहुल कंडेरा बस स्टैंड से पैदल घर जा रहा था, तभी माता मंदिर के पास ऑटो चालक आशीष रोहित वर्मा व भोदू वर्मा ऑटो से उतरे और राहुल के साथ मारपीट करना शुरू कर दी। इस दौरान भोदू ने राहुल के दोनों हाथ पकड़े और आशीष के पैर पर चाकू से हमला कर दिया। मौके पर आसपास के लोगों ने बीच बचाव कर घायल को सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां राहुल को प्राथमिक उपचार के बाद उसे इंदौर रेफर किया गया। अभी कभी करीबन एक आधा घंटा हो गया है, सूचना मिली थी कि इनपुन भगावा रोड पे राहुल पिता कमल सिंह कंडारे ये बस स्टेशन से जा रहा था अपने घर तरफ इनपुन भगावा रोड। वहाँ पे लड़की का भाई है रोहित और गोंदू, इसने और इसका मामा और उसका दोस्त ने तीनों ने इसके साथ मारपीट की। उसको चाकू मारे हैं जो उसके पेट में लगे हैं, तीन चोट लगी है। उसकी देहाती नालसी से कायमी कर रहे हैं। सर ज़्यादा गंभीर घायल है? ज़्यादा गंभीर नहीं, सिंपल इसको रेफर कर दिया। सर क्या आपको पुरानी रंजिश थी राहुल की, राहुल इससे रोहित से? हाँ पता चला है कि एक साल पहले राहुल ने रोहित की बहन से शादी की थी जो नाबालिग थी, तो उनका पुराना मामला चल रहा है। टेंट से खाना खा के अपने घर जा रहा था, वार्ड नंबर 17 माता मंदिर के पास मेरा घर है, वहाँ पे आशीष ऑटो लेके आया, मेरे सामने लगाया ने ऑटो, पूरे तीन लोग उतरे ऑटो में से और मेरे को चाकू से मारने लगे। कौन तीन लोग थे? एक आशीष था ऑटो चलाने वाला, दूसरा गोलू वर्मा और तीसरा आदमी है भोंदू वर्मा। ये तीनों से आपकी पुरानी रंजिश क्या थी? पुरानी रंजिश ये थी कि मैंने एक छोरी से लव मैरिज कर रखा था, उसकी रिश्तेदार रही है। लड़की का आपकी पत्नी है? हाँ वो उनके पास ही है। कितना टाइम हो गया था लव मैरिज करने को? एक साल होने गया। तो अब जाके उन्होंने इस तरीके से हमला किया है? हाँ वो हमला किया। चाकू किसने मारा आपको? चाकू गोलू के हाथ में, बोंदू के हाथ में थे और ये आशीष इन्होंने सब पीछे से भी मारे और आगे से भी मारा। लाठू से मारे के? लाठू से मारे, चाकू भी मारे। चाकू किसने मारा था आपको? चाकू दोनों के हाथ में थे, बोंदू और आशीष उसके गोलू के हाथ में। अच्छा आपको बता दें कि एक वर्ष पूर्व राहुल ने रोहित वर्मा की नाबालिग बहन से शादी की थी, जिसकी रिपोर्ट पर राहुल जेल भी गया था। इसी पुरानी रंजिश के चलते रोहित ने अपने मामा गोलू वर्मा और दोस्त आशीष के साथ मिलकर राहुल पर हमला कर दिया। बड़वास से वाजिद खान की रिपोर्ट।